हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपका दोस्त एप के, मेरे पास एक ब्लूटूथ बॉक्स आया है दोस्तों रिपेयरिंग के लिए। इसमें का प्रॉब्लम है, यहाँ पर देख सकते हो इसके वायर टूट गया है। इसे मैं आप लोगों को कनेक्शन करके दिखाऊंगा और इसके बॉडी को खोल कर देखेंगे इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम है। इस ब्लूटूथ बॉक्स को मैं एक बार और रिपेयर कर चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर इसका चार्जिंग जैक उखड़ गए थे, उसको मैं नया लगा दिया हूँ। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं एक बार इसके बॉडी को खोल कर दिखाता हूँ और कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखे करो दोस्तों, तभी समझ में आएगा, स्किप करोगे तो नहीं आएगा। चलिए मैं इसके बॉडी को एक बार आप लोगों को खोल कर दिखाता हूँ क्या क्या परेशानी है। मैं इस लाइनर के सहायता से इसके चारों स्क्रू को खोल दूंगा दोस्तों। इस प्रकार आप लोगों को भी खोल लेना है, एक एक करके सभी स्क्रू को। उसके बाद देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या परेशानी है। कस्टमर ने बताया कि इसके वायर टूट गया है, इस कारण उसे कनेक्शन करना है। चलिए मैं जल्दी से इसके सभी स्क्रू को खोलकर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। इसके मैं सभी स्क्रू को निकाल लिया हूँ दोस्तों। इस प्रकार से निकाल लेंगे सभी को और देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर स्पीकर को देख सकते हो दोस्तों, इसका दोनों वायर टूट गया है। इसे सबसे पहले कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर किट को देख सकते हो दोस्तों, ये हो गया स्पीकर का। दोनों वायर टूट जाने के कारण इसमें साउंड नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वायर को स्पीकर में जोड़ कर देखेंगे हमारे साउंड आता है कि नहीं, उसके बाद और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। चलिए मैं इसे जल्दी से कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं इस स्पीकर के दोनों वायर को कनेक्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोनों स्पीकर के वायर को जोड़ देना है। एक वायर को इस तरह कनेक्शन कर देना है दोस्तों और दूसरे वायर को इस दूसरे वायर में, काला वायर में कनेक्शन कर देना है। माइनस और प्लस वायरों का कनेक्शन हो गया है। मैं इस बॉक्स के दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया हूं। एक बार मैं आप लोगों को चालू करके दिखाता हूं दोस्तों। इस तरह ऑन कर देंगे, यहां पर देख सकते हो हमारे ब्लूटूथ बॉक्स चालू हो गया है। इसी तरह आप लोगों को रिपेयरिंग करना है दोस्तों, और इसमें कुछ नहीं रहता है। इसे आप लोग भी घर पर ही बहुत आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हो।